देखिए हमारा सूजी और बेसन का नाश्ता बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। नमस्कार, लीना की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी और बेसन से नाश्ता। तो चलिए देखते हैं चटपटा सा नाश्ता कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या क्या लिया है। सूजी बेसन के नाश्ते के लिए मैंने ये एक कटोरी सूजी ली है, एक कटोरी बेसन लिया है और एक पाउच ये इनो का लिया है। एक चम्मच हल्दी है, नमक इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, और एक चम्मच ये राई है और तीन हरी मिर्च है और ये कुछ पत्तियाँ करी पत्ते हैं। तो चलिए पहले हम अपना घोल तैयार कर लेते हैं। इसमें बेसन डाल लिया और इसी में डाल लेते हैं ये सूजी और इसमें थोड़ा सा डाल लेते हैं नमक। और इसमें पानी डाल के और एक बैटर तैयार कर लेते हैं इसका। गोल हमने ना तो ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, बस हमने मीडियम सा रखना है। इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए घोल हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। सूजी है तो थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो अच्छे से फूल जाएगी, अच्छे से सेट हो जाएगी। इसे साइड में 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इतना हम कढ़ाई में अपना पानी गर्म रख लेते हैं। ये देखिए घोल हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें हम डाल लेते हैं ये अपना इनो। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बैटर ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही पतला है, हमने ऐसा ही तैयार करना है इसको। तो हमने ये इडली बनाने का साँचा लिया है, अब इस बैटर को हमने तो इसमें भर लेते हैं। ये तीनों लेयर हमारी मैंने फिल कर ली है। अब उधर हमारा कढ़ाई में पानी गर्म भी हो गया है। कढ़ाई में ये 1 गिलास पानी डाला है, अब इसको इसके अंदर रख देते हैं। और हमने गैस को भी बस मीडियम फ्लेम पे ही रखना है और 10 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद चेक करते हैं इसको। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी इडली को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फूली फूली तैयार हो गई है। इसको नाइफ को डाल के देख लेते हैं, देखिए बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी बन के तैयार हो गई है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको हम नाइफ से चारों तरफ से उतार लेते हैं और सारियों को एक एक करके अब प्लेट में डाल लेते हैं। प्लेट में निकाल लेंगे इसको। ये देखिए हमारी इडली बहुत ही अच्छे से तैयार हुई है। हम ऐसे ही इन साड़ियों को निकाल लेते हैं।
देखिए इडली को मैंने सारे को प्लेट में निकाल लिया। अब इसके हम तड़का लगा लेते हैं। तो चलिए पैन में तेल गरम कर लेते हैं। ये तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया। अब इसमें डाल लेते हैं ये राई। राई को हमने हल्का सा ब्राउन होने तक पकाना है। राई हमारी चटकने लग गई है। अब इसमें डाल देते हैं करी पत्ता और हरी मिर्च। डाल देते हैं ये एक चम्मच हल्दी पाउडर और इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। इस तड़के में हम अपनी इडली डाल देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इडली हमारी तैयार हो गई है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए हमारे सूजी और बेसन का नाश्ता बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पंजी तैयार हुई है। ये बहुत ही सॉफ्ट है। गाइस ये रेसिपी आप भी ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।